जय माता दे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह दो दिन यानी कि आपका 15 और 16 मई का दिन कैसा रहने वाला है, आपको बताएंगे आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन आप इन दो क्षेत्रों में, इन दो दिनों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं और कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप अपने समाज में अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान किस प्रकार से आप स्थापित कर सकोगे, आपको बताएंगे आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको सावधान, सतर्क और संभल कर रहने की जरूरत रहेंगे, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको सहकर्मियों के बीच लोकप्रियता को बढ़ाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आपका 15 और 16 मई का दिन बहुत ही शानदार व्यतीत होने वाला है, आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, व्यावसायिक रूप से चीजें सुचारू रहेंगे और अच्छी प्रगति होंगी, आपकी आमदनी बढ़ेंगे, आपको आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे, भाई बहनों और बड़ों के साथ आपके संबंध भी सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ आप छोटी यात्राओं या भ्रमण की योजना बना सकते हैं, आपका पारिवारिक जीवन भी आनंदमय और काफी खुशहाल रहने वाला है, आपको पिता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है और आप पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं, व्यवसायिक और आर्थिक संदर्भ में आपको लाभ मौके मिलेंगे, आपके दुश्मन भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, आपकी आय काफी ज्यादा अच्छी रहेंगे और आपको अपने गुप्त शत्रुओं द्वारा बनाई गई छोटी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसे में आपको इन दिनों थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे, अधिकारियों के साथ आपके व्यवहार अच्छे रहेंगे, आपको उनके साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ आप विरोधाभास न करें, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा खासा बना रहेगा। मित्रों, आप कुछ धार्मिक कार्य में संलग्न होंगे जिनके कारण आपकी सामाजिक लोकप्रियता में वृद्धि होंगे, आपका पारिवारिक जीवन भी आनंदित रहेगा, आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे और लोग भी आपके साथ मददगार साबित होंगे, आपको भाग्य का साथ मिलने के कारण व्यवसायिक एवं आर्थिक रूप से आपकी स्थिरता बनी रहेंगे, इस अवधि के दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आपका नाम और शोहरत हासिल होंगे, आप अपने विरोधी से थोड़ा सा सतर्क रहें, आपको महत्वपूर्ण अधिकारियों से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होंगे, आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलेंगे, आपके कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगे, जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत कर सकोगे, किंतु आपके रिश्तेदारों से आपका मतभेद हो सकता है, ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को इन दो दिनों में अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा संलग्न रहने की जरूरत रहेंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें, आपको अनुकूल ग्रह स्थितियों से आपके बेहतर और प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे, आप में से कुछ व्यावसायिक विस्तार की योजना बना सकोगे और वित्तीय लाभ आपको उम्मीद से बेहतर मिलेंगे, आप भूमि या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, घरेलू मोर्चों पर वांछित काम समय से पूरे होंगे, प्रेमियों के मध्य भी आपकी निकटता बढ़ेंगे और कुछ के विवाह संबंध भी पक्के हो सकते हैं, कामकाज संबंधी यात्राएं लाभदायक रहेंगे और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं वे दूर होंगी, व्यावसायिक संदर्भ में 15 और 16 मई का दिन लाभकारी रहेगा जो भविष्य में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, आप में से कुछ लोग अपने पसंद की जगह पर स्थानांतरण हो सकते हैं, छात्र अपना ध्यान उचित प्रयासों में लगा सकेंगे, आर्थिक रूप से आप समृद्ध रहेंगे और नवीन सौदों से भी लाभ कमा सकोगे, आपको परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा सहयोग मिलेंगे और अविवाहितों के लिए शादी की घंटे जल्दी ही बज सकती हैं, आप किसी पवित्र स्थान
की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको सुकून की प्राप्ति होंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे, अधिकारियों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होंगे। आप अपने सभी प्रयासों में सफल रहेंगे और आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकोगे। आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक परिवेश से खुश रहेगा। सामाजिक रूप से आप अधिक सक्रिय रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।